दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सॉइल मैकेनिक्स के सुपर फास्ट सीरीज का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता बुक को अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ रिविजन पर्पज़ से इसे देखना चाहते हैं। वीडियो से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। इसमें से कौन पार्टिकल साइज रेंज को रिप्रेजेंट करता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, यूनिफार्मिटी कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? यूनिफार्मिटी कोफिशिएंट होता है। 26 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन दिया है। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। ए नंबर में दिया, कह रहा है यूनिफार्मिटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो कह रहा है कि जो यूनिफार्मिटी कोफिशिएंट होता है वो किसी भी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का शेप रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत दिया हुआ है। सेकेंड नंबर आपका दिया है, यानी बी नंबर में क्या दिया है? कह रहा है फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल, किसी भी वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए बोथ यूनिफार्मिटी कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ये दोनों क्या होते हैं? नियरली यूनिट होते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी आपका दिया है, कह रहा है ए सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड। किसी भी सॉइल को हम वेल ग्रेडेड कब कहते हैं? दिया है कि इफ़ इट हैज़ द मोस्ट पार्टिकल ऑफ द अबाउट द सेम साइज। कह रहा है जब किसी भी पार्टिकल के मोस्ट ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं? सेम साइज के होते हैं। जब किसी भी सॉइल के मोस्ट ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं? सेम साइज के होते हैं, तो उसको हम वेल ग्रेडेड सॉइल कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिफार्मिटी कोफिशिएंट ऑफ द सॉइल, क्या दिया है? यूनिफार्मिटी कोफिशिएंट ऑफ द सॉइल क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है? इक्वल टू आर ग्रेटर देन 1 होता है। 28 का डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एटरबर्ग द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स पीआई इज। क्या दिया हुआ है? कह रहा है एटरबर्ग के अनुसार किसी भी सॉइल को हम मीडियम प्लास्टिसिटी में कब कहेंगे? जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान किसके बराबर होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 7 से 17 के बीच में अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान होता है तो क्या कहलाता है? वो मीडियम प्लास्टिसिटी कहलाता है। आप समझिए यहाँ पर जो 0 से 7 के बीच में दिया है ये कंडीशन क्या होती है? ये होती है स्लाइटली प्लास्टिक। क्या होता है? ये स्लाइटली प्लास्टिसिटी का मान होता है ये आपका। बाकी आपका जो है 7 से 17 के बीच में जो होता है वो मीडियम प्लास्टिसिटी है। 17 से लेकर के आपका 27 के बीच में है तो आपका क्या होता है? वो हाई प्लास्टिसिटी होती है। क्या होती है? हाई प्लास्टिसिटी होती है। और आपका डी जो दिया है ग्रेटर दैन 27 जो दिया हुआ है इसका मान क्या होता है? ये आपका वेरी हाई प्लास्टिसिटी होता है। क्या होता है? वेरी हाई प्लास्टिसिटी होता है। और आपका अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 0 दिया होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपका जो है नॉन प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन प्लास्टिक कहते हैं। तो ये आपके सीरीज हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपका 29 के बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन दिया है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास लाई बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सॉइल मास इज सेड टू बी। क्या दिया है? कह रहा है कि जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो क्या है? वो जो है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में रखा गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि जो सॉइल मास है उसका स्टेट कौन सा है। तो पहले आप समझिए कि एक फिगर बनता है यहाँ पर, ये आपका फिगर ड्रा होता है, यहाँ पर आपका इस तरह से बनाया जाता है ये और ये आपका जो है चार्ट दिया गया है। ये आपका क्या होता है? ये होता है श्रिंकेज लिमिट, ये आपका क्या होता है? ये होता है प्लास्टिक लिमिट, और ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका लिक्विड लिमिट। ये क्या होता है? ये सॉलिड स्टेट होता है, ये आपका सेमी सॉलिड स्टेट होता है, ये आपका जो है प्लास्टिक स्टेट होता है, और ये आपका क्या होता है? ये होता है लिक्विड स्टेट। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, ये लिक्विड लिमिट हो गया और ये हो गया प्लास्टिक लिमिट। तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में कौन सा स्टेट आता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका प्लास्टिक स्टेट। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक स्टेट। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 का प्लास्टिक स्टेट यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं प्लास्टिक स्टेट किस में दिया हुआ है? तो बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है रेशियो दिया है। क्या दिया है? लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपान प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया है। क्या दिया है? लिक्विड लिमिट माइनस क्या है वाटर कंटेंट अपान में प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ है। ये किसका फार्मूला होता है, ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला होता है, किसका होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला होता है 31 का सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर दैन द लिक्विड लिमिट। क्या दिया है, कह रहा है किसी भी सॉइल का जो प्लास्टिक लिमिट है अगर वो अधिक हो जाता है लिक्विड लिमिट से, तो कह रहा है देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। तो ऐसी कंडीशन में जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान होता है वो कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 0 होता है। क्या होता है, अगर प्लास्टिक लिमिट का मान जो है लिक्विड लिमिट से अधिक हो जाता है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान क्या होता है, 0 हो जाएगा। 32 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन दिया है, 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यानी टफनेस इंडेक्स जो होता है वो उस किसका रेशियो होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। क्या होता है, टफनेस इंडेक्स बराबर होता है पीआई अपान एफआई। क्या होता है, पीआई अपान एफआई होता है। क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपान फ्लो इंडेक्स होता है। तो 33 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज। कह रहा है अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 0 दिया हो किसी सॉइल का तो वो सॉइल कैसी होती है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, उसे सैंड कहते हैं। अगर सैंड में क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 0 होता है। तो 34 का ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द एडमिक्सचर ऑफ द कोर्सर पार्टिकल का जो एडमिक्सचर होता है लाइक द सैंड आर सिल्ट टू द क्ले के कारण होता है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि द एडमिक्सचर ऑफ द कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड आर सिल्ट टू द क्ले केसेस। तो किसका केस होता है ये, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, डिक्रीज कर देता है इन बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यानी क्या होता है, प्लास्टिक लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दोनों को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। 35 का आपका सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में बी वाला सही है। दिया है कि द यूनिफॉर्म सॉइल हैज़ लेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी दैन ए नॉन यूनिफॉर्मली सॉइल। क्या दिया हुआ है, कह रहा है इसमें जो यूनिफॉर्मली सॉइल होता है उसकी जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। किससे कम होती है, नॉन यूनिफॉर्मली सॉइल से। तो आपका 36 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग इंडेक्स प्रॉपर्टी वेयर डिटरमाइंड द फोर सॉइल ए बी सी एंड डी। दिया है, कह रहा है कि ये आपका साड़ी दिया हुआ है, सॉइल प्रॉपर्टी दी गई है और लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का मान दिया हुआ है। आगे दिया कि विच ऑफ दिस सॉइल कंटेंट द मोर क्ले पार्टिकल्स। इसमें पूछ रहा है आपसे कि इसमें से किसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये समझिए कि जिस भी सॉइल में प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान जो होता है वो अधिक होता है, ग्रेटर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है। बात को समझिए, जिसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान ज़्यादा होता है उसमें क्ले का मान, वो क्ले सॉइल कहलाती है, क्ले का मान उसमें ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर लिक्विड लिमिट दिया है, प्लास्टिक लिमिट दिया है। तो हम क्या करते हैं कि हर एक पार्टिकल का लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्ञात करते हैं। जिसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान ज़्यादा होता है वही हमारा क्या होता है, उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो सॉइल बी है उसमें क्या होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान ज़्यादा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, उसमें जो है क्ले पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन दिया है, 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तभी हमने एक सारणी बनाया था आपका, ये जो हमने दिखाया था इस तरह से। इसमें पूछ रहा है क्या आपसे कि वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास बिटवीन विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में बात कर दिया है। ये आपका हो गया सॉलिड, ये हो गया सेमी सॉलिड, ये हो गया आपका प्लास्टिक स्टेट, ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट। तो प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में क्या था, यहाँ पर लिक्विड लिमिट था, यहाँ पर आपका क्या था, प्लास्टिक लिमिट है, और यहाँ पर क्या है, श्रिंकेज लिमिट है। तो लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच में क्या रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान किस में ज़्यादा होता है, तो अभी अभी हमने आपको बताया क्ले में ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एट द लिक्विड लिमिट पर ऑल सॉइल पासेज, जितनी भी सॉइल होती हैं क्या होती हैं वो, तो करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। सेम शेयर स्ट्रेंथ होता है और स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, क्या होता है, सेम शेयर स्ट्रेंथ होता है और स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन दिया है। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द मटेरियल ऑफ द बेस आप एक कैसा ग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस, क्या दिया है, जो कैसा ग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस होता है उसमें जो मटेरियल ऑफ द बेस होता है क्या दिया है, ऑन व्हिच जिस पर कप कंटेनिंग द सॉइल पेस्ट ड्रॉप, जिस पर क्या होता है कप पे सॉइल पेस्ट ड्रॉप करते हैं, वो दिया कि वो सॉफ्टर है देन द स्टैंडर्ड हार्ड रबड़, यानी स्टैंडर्ड हार्ड रबड़ की तुलना में क्या है वो सॉफ्ट कर दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल ऑलवेज इंक्रीज, क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में जो लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आपका 41 का ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल सिल्ट साइज पार्टिकल इच, यानी सिल्ट साइज पार्टिकल आपसे पूछ रहा है कितना होता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 0.075 mm से लेकर 0.002 mm के बीच में होता है, तो 42 का डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन दिया है। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाईवे रिसर्च बोर्ड यानी HRB क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज बेस्ड ऑन, यानी कह रहा है कि हाईवे रिसर्च बोर्ड जो होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल के क्लासिफिकेशन का जो हाईवे रिसर्च बोर्ड होता है इज बेस्ड होता है, किस पर बेस्ड होता है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। बोथ पार्टिकल साइज कंपोजिशन एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पर क्या होता है, ये बेस्ड होता है, तो 43 का सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाई, क्या दिया है, जो इनऑर्गेनिक सॉइल है और लो कंप्रेसिबिलिटी है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ML को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ML को रिप्रेजेंट करता है, सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ, यानी सैंड पार्टिकल जो होते हैं वो बने होते हैं किससे बने होते हैं, तो रॉक मिनरल से बने होते हैं, आपका ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन दिया है। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द क्ले मिनरल विद द लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड सिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स इज, कह रहा है कि जो क्ले होती है उसके जो खनिज होते हैं उसमें लार्जेस्ट स्वेलिंग और सिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होती है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मोंटमोरिलोनाइट में होता है, क्या होता है, मोंटमोरिलोनाइट में होता है, यहाँ पर आपका सी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन दिया है। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्पर्स्ड टाइप ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, क्या दिया है, द डिस्पर्स टाइप ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट कंप्राइजिंग पार्टिकल्स हैविंग, क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, फेस टू फेस आर पैरेलल ओरिएंटेशन होता है, क्या होता है, फेस टू फेस आर पैरेलल ओरिएंटेशन होता है। 47 का ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस इच, क्या दिया है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है इस क्या होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, क्या होता है, कह रहा है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, यानी क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल का यहाँ फंक्शन होता है। 48 का सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन दिया है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइज ऑफ द वाटर टेबल एबव द ग्राउंड सरफेस केसेस, क्या दिया है, कह रहा है कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर अगर वाटर टेबल राइज करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, इक्वल इंक्रीज इन द पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर और आपका जो है टोटल स्ट्रेस दोनों क्या होते हैं, इक्वल इंक्रीज करते हैं। 49 का ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 50 नंबर क्वेश्चन दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ द वाटर इन ए स्विमिंग पूल रिस्पेक्टिवली, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि टोटल और इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो, तो 5 मीटर नीचे टोटल और इफेक्टिव स्ट्रेस का मान आपको बताना है, कहाँ से, बिलो द टॉप लेवल ऑफ द वाटर स्विमिंग पूल में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहली बात तो समझिए इसको क्या दिया है, वाटर लेवल से, क्या दिया है आपका वाटर लेवल से 5 मीटर बिलो। आपको बताना क्या है, टोटल स्ट्रेस का मान बताना है और इफेक्टिव स्ट्रेस इन दोनों का मान बताना है कितना होगा। तो 5 मीटर बिलो हो गया, टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा इंटू एच। गामा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो गया और एच कितना हो गया 5 हो गया, तो बराबर कितना हो गया 5 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 kg/m² हो जाएगा। अब 5 kg/m² को अगर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा 0.5 kg/cm² हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है हमको निकालना क्या है, हमको निकालना पड़ेगा पोर वाटर प्रेशर, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो पोर वाटर प्रेशर भी आपका जो है टोटल स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो 0.5 kg/cm² हो जाएगा। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर फार्मूला क्या होता है, होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। और इन दोनों को घटाएंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफेक्टिव स्ट्रेस का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। टोटल स्ट्रेस का मान 0.5 kg/cm² हो जाएगा और इफेक्टिव स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 2 अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।